काल का भी उस पर क्या आघात हो जिस बंदे पर महादेव का हाथ हो। मत देखिए गाइस, यहाँ पे थोड़ी देर पहले इतनी अच्छी धूप खिली थी और जस्ट 10 से 15 मिनट के अंदर अंदर देखिए कैसा मौसम बन चुका है। बहुत ही ज्यादा ठंड हो रही है यहाँ पे, जबकि जून में ना चला हुआ है, जून ही शायद जो, हाँ जुलाई, जुलाई 4th है आज, 4 तारीख है जुलाई की। तो देख लीजिए जुलाई महीने में भी हिमाचल के मंडी डिस्ट्रिक्ट की मुरारी देवी जगह आई है, मुरारी देवी टेम्पल, जहाँ यहाँ पे बर्फ भी पड़ती है। देख लीजिए यहाँ पे कितना भयानक मौसम हो चुका है, जस्ट 10 से 15 मिनट के अंदर अंदर देख लीजिए। और बच्चे पूरी तरह से मस्ती करते हुए, फुल मस्ती कर रहे हैं यहाँ पे। हाँ जी चलो 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 गुफा साइड हो जाओ, साइड गुफा, शिव गुफा है नीचे। चलो चलो तो आओ पपरी, आराम से उतरना, आराम से। हैं पता नहीं तो देखिए गाइस कितने बड़े बड़े पत्थर हैं यहाँ पे, मैं फिसल भी सकता हूँ अगर बाय चांस। देखिए कितनी बड़ी बड़ी चट्टानें हैं, और तो आप बता सकते हैं, कोई कमेंट करके बताइए कि ये इतनी इतनी बड़ी बड़ी चट्टानें कहाँ से आई हैं। देख लीजिए इतने बड़े बड़े पत्थर हैं जिनको एक आम आदमी तो हिला भी नहीं सकता। देख लीजिए और लोग भी आ रहे हैं पीछे से, जो कि मंदिर से होते हुए नीचे आ रहे हैं। इतनी भयंकर बारिश लगी थी अभी थोड़ी देर पहले, और बारिश के बीच में हम बारिश का मज़ा लेते हुए शिव गुफा की तरफ जा रहे हैं। हमारे साथ छोटे छोटे बच्चे भी हैं, एक छोटा सा बच्चा है, छोटा सा, इतना छोटा सा बच्चा है ये। एक बच्चा देखो आ रहा है ऊपर, एक बच्चा उससे भी ऊपर आ रहा है, छोटे छोटे, ये भी बच्चा है छोटा सा, छोटे छोटे बच्चे हैं छोटे छोटे। देखिए गाइस इतना ऊपर रह चुका है मुरारी देवी का टेंपल, और देखिए हम इतना नीचे उतर के आ चुके हैं, अभी हमने इतना और नीचे जाना है। देख लीजिए यहाँ और यहाँ, ये है ऊपर मुरारी देवी का मंदिर, और ये है नीचे शिव गुफा। देखते हैं कैसी गुफा है अंदर, आपको दिखाने का मुझे मतलब दिखाने दिया उन्होंने तो मैं दिखाऊंगा, गुफा के बारे में अगर नहीं दिखाने दिया तो मुश्किल है, फिर आपको मंदिर के बाहर से दर्शन करने पड़ेंगे। देख लीजिए इतना बड़ा जंगल है, और बीच में इसमें देवदार के पेड़ भी हैं। यहाँ तो ज़्यादातर चील के ही वृक्ष हैं, पर यहाँ से आगे जब मैं जाऊँगा तो आपको दिखाऊँगा बीच रास्ते में, वहाँ पर देवदार के भी पेड़ हैं, और इस जगह पर बर्फ़ गिरती है। ये पड़ता है डिस्ट्रिक्ट मंडी में, हिमाचल प्रदेश में, तो ये बॉर्डर एरिया है बिलासपुर और मंडी का, जहाँ पे ये पड़ता है। ये है मंदिर शिव गुफा। देखिए गाइस हम शिव गुफा के नज़दीक पहुँच चुके हैं, जो कि बहुत दूर था मंदिर से। चलो चलो उतरो 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 उतरो, नहीं उगलाने से ही बारी नहीं। देखिए गाइस जैसा नज़ारा है बाहर से, यहाँ पे निर्माण कार्य चलता हुआ, शिव गुफा, जय महाकाल।
काल का भी उस पर क्या आघात हो जिस बंदे पर महादेव का हाथ हो। सानू नहीं है तो सीधे खुला क्या हुआ? पानी लेती दे मैं ले ले बहुत ठीक है दिव्यांश कितना गया फोटो खींचना उठ खड़े तो सोया काम ही नहीं हुआ तो जी बड़ी थी चल पूरे लाइट ही अंदर ही फिर लाइट चली गई तो गाइज ये है प्राचीन महादेव शिव जी का मंदिर। देखिए कितना अच्छा नज़ारा दिख रहा है चारों तरफ से। और अभी दिखाऊंगा मैं आपको, देखो भोलेनाथ जी के चरण बनाए हुए यहाँ पे। देखिए भोलेनाथ जब यहाँ पे तपस्या करने आते थे तो उनके चरणों के निशान हैं। ये शायद पता नहीं और कुछ है। अच्छा ये नंदी बैल महाराज के पाँव के निशान हैं यहाँ पे। ये नंदी महाराज जी के और भोलेनाथ जी के चरणों के निशान हैं। हाँ जी, तो आप भी यहाँ पे आइए। मुरारी देवी के जस्ट बगल में ये आपको पड़ेगा। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा नज़ारा है। आजकल
सर्दियों में तो बहुत अच्छा है, सर्दियों में तो नहीं बल्कि गर्मियों में बहुत अच्छा है। यहाँ पे गर्मियों में आई है, अभी जुलाई महीने में हम आ रहे हैं 4 तारीख को। भोलेनाथ की जय, भोलेनाथ की जय। देखिए दोबारा से, 10 मिनट के लिए मौसम साफ हुआ था और अभी दोबारा वैसा ही मौसम बन चुका है जैसा कि पहले बना हुआ था। देखिए दोबारा से धुंध पड़ चुकी है, फॉग जिसको बोलते हैं। देखिए दिव्यांश कितना ऊपर पहुंच चुका है, बहुत ही कश्मड़। तो वहाँ हमारे यहाँ इनको लोकल में जंगलों में खाया जाता है। देखिए बहुत अच्छा ही बीज होता है ये, हाँ सही है था। तो गाइस आप भी कभी आए तो इनको खाइएगा, बहुत ही अच्छा लगता है, स्वादिष्ट होते हैं। देखिए ये बंदा कहाँ चढ़ रहा है इनको खाने के लिए। ले पकड़ो खाओ। बाद में देखना आपने, अभी मैं वीडियो बना लूँ। चंदा में इतनी गर्मी है, लेकिन जहाँ हम आए हुए हैं आज मुरारी देवी टेंपल, वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ठंड है और ठंड हो रही है। हमने देखो यहाँ पे बूटी डाल रखी है, बच्चों ने टोपियाँ और बड़ों ने स्वेटर, बच्चों ने देखो टोपियाँ डाल रखी है। इधर इतनी ठंड लग रही है, देखो वापसी का दृश्य। देखिए यहाँ पे देवदार के पेड़ लगाए गए हैं और यहाँ पे बर्फ़ ज़्यादा से ज़्यादा गिरे, ताकि इसलिए यहाँ पे देवदार के पेड़ लगाए हुए। अगर जंगल में आपको मैं और दिखाऊंगा, जंगल में तो एक ऐसा जंगल है जहाँ पे बिल्कुल ही देवदार के बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं। तो ठीक है गाइस, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए धन्यवाद। मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देखिए डिस्ट्रिक्ट मंडी में देवदार के पेड़ ही पेड़ हैं, कितने सारे पेड़ हैं यहाँ पे देवदार के।